नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा उपाध्याय, सहायक आचार्य, सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ के बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में से इकाई 2 के अंतर्गत आने वाला विषय की आज चर्चा करूंगी, जिसमें पहला हमारा विषय है वादी स्वर। अब वादी स्वर क्या होता है? किसी भी राग या किसी भी स्थान या किसी भी चीज़ का जो राजा यानी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है वादी स्वर। अब इसमें क्या लिखा है? राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है वही उस राग का वादी स्वर कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि राग भूपाली है, उसमें यदि ग स्वर को वादी माना जाएगा तो वह उसका सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाएगा। और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि इस स्वर को सबसे ज़्यादा जब राग गाई जाती है तब प्रयोग में लिया जाता है, इसीलिए इसे राजा स्वर भी कहा जाता है। अब आती है बारी समवादी स्वर की। अब राजा तो हो गया, तब उसके बाद मंत्री, यानी राजा स्वर से कम प्रयोग होने वाला स्वर समवादी स्वर कहलाता है। इसके अंतर्गत परिभाषा जो हमने दी हुई है, राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग वादी की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है। ये वादी स्वर का परम सहायक होता है और उससे अटूट संबंध स्थापित किए रहता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, राग भूपाली में वादी और संवादी उसका है ग ध, यानी वादी तो हो गया गंधार, वहीं संवादी उसका हो गया धैवत यानी कि ध स्वर। अब जब वादी इसका ग है, इसका मतलब हुआ वादी सबसे अधिक प्रयोग में आएगा, उससे कम प्रयोग में आने वाला स्वर हो गया ध यानी धैवत। अब हम आते हैं अनुवादी स्वर पर। अनुवादी स्वर वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वर अनुवादी कहलाते हैं। यानी कि जैसे राग भूपाली में हमने ले लिया था ग और ध, वो तो हो गया वादी संवादी, उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सुर आएंगे है ना, सा रे पा अनुवादी कहलाएंगे। अब आते हैं हम विवादी स्वर पर। उस स्वर को विवादी स्वर कहा गया है जिससे राग का स्वरूप बिगड़े। उदाहरण के लिए राग वृंदावनी सारंग में सा रे मा पा और दोनों नी को छोड़कर अन्य सभी स्वर शुद्ध और विकृत स्वर उस राग के विवादी स्वर हैं। अब इससे ही समझ में आता है, जैसा कि ये शब्द है विवादी, अर्थात जो विवाद उत्पन्न करे उस राग के माहौल को बिगाड़े। अब जो भी हमारी रागें होती हैं वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत होती हैं, उनको सुनने से एक मधुरता का एहसास होता है। मधुरता हमें तब प्रतीत होती है जब उनका स्वरों का आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, जैसे ग से ध का कॉम्बिनेशन, रे से प का कॉम्बिनेशन, ये जब हम एक साथ प्रयोग में लेते हैं तो ये मिलकर एक सुंदर स्वरूप का निर्माण करते हैं। परंतु विवादी स्वर वह हो जाता है जो राग का जो सुंदर स्वरूप है उसको बिगाड़ते। कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग राग की सुंदरता के लिए किया जाता है, किंतु ये हर कोई नहीं करता है, केवल मजे हुए कलाकार ही इनका प्रयोग करते हैं।
वह भी केवल चमत्कार दिखाने के लिए, कुछ क्षण के लिए इसका प्रयोग करके वापस से राग में आ जाते हैं। वज्र स्वर। अब ये तो था हमारा विवादी स्वर, अब आते हैं वज्र स्वर। विवादी स्वर वह जिसका प्रयोग मतलब कभी कभी लोग कर लेते हैं सुंदरता के लिए, लेकिन अब वज्र स्वर तो वह है कि जिसको अगर यूज़ में ले लिया या प्रयोग में ले लिया तो राग पूरी ही नष्ट हो जाएगी। मतलब उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो राग भूपाली में माँ और नी स्वर वर्जित हैं, यदि हम इनको प्रयोग में लेते हैं तो इसका जो मुख्य स्वरूप है वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और राग सुंदर ना लगकर बहुत ही बुरी सुनाई देगी जब हम इसको गाएंगे। तो इस स्वर को हमें बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना है, वही है वर्जित स्वर, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि वह वर्जित स्वर है। इसमें परिभाषा दी है, वर्जित स्वर और विवादी स्वर में बस इतना सा सूक्ष्म अंतर है, वर्जित स्वर का प्रयोग कभी नहीं होता है किंतु विवादी स्वर का प्रयोग राग की सुंदरता बनाने के लिए कभी कभी किया जाता है, किंतु सभी के द्वारा नहीं, केवल मजे हुए कलाकारों के द्वारा ही। अब आते हैं हम आरोह। आरोह आरोह वह है किसी भी एक स्वर के समूह का चढ़ता हुआ क्रम, या किसी भी स्वर का चढ़ता हुआ क्रम आरोह कहलाता है। अब इसमें हम देखते हैं, पहला है गाते या बजाते वक्त स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहा जाता है। दूसरा, संगीत के नीचे के सुर से आरंभ करके ऊपर के सुरों की ओर चढ़ते हुए जब आप आलाप लिया जाता है तो उसे आरोह कहा जाता है। मुख्यतः आरोह शब्द संगीत से संबंधित है, किंतु उत्थान, विकास आदि का भाव दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा रे गा म प ध नि सा। सा रे गा म प ध नि सा सा। तो ये जो नीचे से हम ऊपर की तरफ स्वरों पर चढ़ता हुआ जो क्रम हमने गाया, यही आरोह है। अब आते हैं अवरोह में। स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम तो हमने देखा, उन्हीं स्वरों का उतरता हुआ क्रम अवरोह, यानी अवरोहन यानी उतरना, उतार, अवनति, पतन। संगीत के स्वरों का उतार अर्थालंकार का एक भेद, जहाँ वस्तु के रूप गुण का क्रमशः घटना दर्शाया जाता है। इन सबसे यह समझ में आता है कि किस एक संगीत में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, संगीत के स्वरों को ऊपर से नीचे की आने का क्रम है अवरोह। उदाहरण के लिए सा नि ध प म ग रे सा। अब आते हैं हम राग की पकड़। जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, वह छोटे से छोटा स्वर समूह जिसे राग की पहचान होती है उसे पकड़ कहते हैं, जैसे नी रे गा रे गा मा प रे, नी रे गा रे गा मा प रे सा, नी रे सा नी रे गा रे सा। ये है जैसे, तो इसको गाते ही हमें यह समझ में आ जाता है कि यह राग यमन की पकड़ है। वर्ण। गाने के प्रत्यक्ष क्रिया या स्वरों की विविध चलन को वर्ण कहते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं। अभिनव राग मंडली में गान क्रियोच्यते वर्ण, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। इसमें स्थायी वर्ण, जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है तो उससे
स्थाई वर्ण कहते हैं, जैसे रे रे गा गा म म प प, यानी किसी भी चीज़ को दोहराना। दूसरा, आरोही स्वरों के चढ़े हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं, सा रे गा म प ध नि, अवरोही सा नि धा प म रे सा, उतरता हुआ क्रम। चौथा है संचारी वर्ण, उपयुक्त तीनों वर्णों में मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। इसमें कभी तो कोई स्वर ऊपर चढ़ता है तो कभी कोई स्वर बार बार दोहराया जाता है। दूसरे शब्दों में संचारी वर्ण में कभी करोही आरोही, कभी अवरोही और कभी स्थायी वर्ण दृष्टिगोचर होता है, जैसे सा सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा, मतलब इसमें सभी प्रकार आ जाते हैं। अब आते हैं अलंकार। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अलंकार यानी अलंकृत करने वाला। स्वरों के नियमानुसार चरण को अलंकार कहते हैं। अलंकार में कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक अलंकार के मध्य सा से तार सा तक आरोही वर्ण और तार सा के मध्य सा तक अवरोही वर्ण हुआ करता है। संगीत दर्पण के अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, विशिष्ट वर्ण संदर्भम लंकार प्रचर्चते, अर्थात नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है, जैसे आरोह सा रे गा रे गा म गा म पा म प ध प ध नि ध नि सा, अब इसका अवरोह हो जाएगा सा नि ध नि ध प ध प म प म गा म गा रे गा रे सा। इसी प्रकार अनेकानेक अलंकारों की रचना हो सकती है, अलंकार को पलटा भी कहते हैं। अब ये जो अलंकार है इसका मुख्य कार्य होता है, आप जब इसको बार बार रियाज या गाएंगे तो इनसे आपका गला तैयार होता है। उदाहरण के लिए सा रे रे गा गा मा मा पा, ये जब धीरे धीरे गा रहे हैं तो ये गले को जोड़ने का काम करता है। इसमें झटका दे दे के यदि गाएंगे सा रे रे गा गा मा मा पा तो ये गले में खटका पैदा करता है। वहीं सा रे गा रे गा मा, एक स्वर पर दो तीन स्वर गाने के बाद हम पुनः पहले स्वर पर खींच के वापस आ रहे हैं तो ये क्या हो गया मेड़। तो इससे हमें मेड़ भी गले में हमारे आ जाती है। तो बहुत तरह के पलटे प्राप्त होते हैं हमें, जिनको गाने से तरह तरह की चीज़ें हमारे गले में आ जाती हैं, हमारे गले को वो अलंकृत करती हैं, सुंदर बनाती हैं, जिससे हम कुछ भी गाने में सक्षम हो जाते हैं। किंतु बिना रियाज या मेहनत के उन चीज़ों का गले में आ पाना असंभव है। धन्यवाद।